राष्ट्रीय जनता दल पर जब जब कोई संकट आया है या पार्टी पर किसी तरह का कोई समस्या खड़ी हुई है तो वहाँ लालू प्रसाद के पुराने साथी खड़े नजर आए हैं और पार्टी के साथ साथ परिवार को भी संभाला है। आपको याद होगा वो 1997 का दौर जब लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले में पहली बार 5 साल की सजा हुई थी। उस सजा के बाद लालू प्रसाद को जेल जाना था और जेल जाने से पहले लालू प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। सरकार लालू प्रसाद के हाथों में थी, मुखिया थे सरकार के और उनके सहयोगी पूरी मजबूती के साथ खड़े थे। तब स्थिति ये थी कि लालटेन की लौ बचाने की जिम्मेवारी किसे दी जाए। इस बात के लिए जगतानंद सिंह ने राबड़ी देवी का नाम सुझाया और राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी शुरू हो गई। जगतानंद सिंह ने पूरी मजबूती के साथ खड़े होने की बात कही और लालू प्रसाद को कहा कि आप निश्चिंत रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाल फिलहाल में आई आपने वेब सीरीज देखी होगी महारानी। लगभग मिलती जुलती कहानी को अगर देखा जाए तो राबड़ी देवी ने बड़ी मजबूती के साथ लालू प्रसाद का वो दौर संभाला और यही नहीं, लालू प्रसाद के अनुपस्थिति में उन्होंने 2000 का चुनाव भी बड़ी मजबूती के साथ लड़ा और लालू प्रसाद के सामने उन्होंने एक मिसाल कायम कर दिया। जगतानंद सिंह इसके पूरी कवायद में साथ खड़े थे। हालांकि रघुवंश प्रसाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता भी बहुत मजबूती के साथ खड़े नजर आए थे, लेकिन जगता बाबू की भूमिका परिवार से लेकर के पार्टी तक को एकजुट रखने की थी और इसमें कहीं ना कहीं जगता बाबू सफल भी हुए थे। एक बार फिर से जगता बाबू और लालू प्रसाद दोनों एक दूसरे से इंटरनल जो बातें करते हैं और खिचड़ी जो पकती है उस खिचड़ी का सुगंध बाहर भी नहीं निकल पाता है और तब तक पूरी कहानी रच दी जाती है। एक बार फिर से जगता बाबू और लालू के बीच में जो खिचड़ी पक रही है उसकी जो सुगंध है वो नीतीश तक धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो गई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच आज से 60 दिन पहले जो सरकार बनाने की जो एग्रीमेंट हुई उस एग्रीमेंट को लेकर के बार बार ये बात कही जा रही है कि जगता बाबू और नीतीश कुमार इससे खुश नहीं थे। हमने भी खबरों में आपको बताया है, लेकिन अब बड़ी जिम्मेवारी जगता बाबू के ऊपर है क्योंकि लालू प्रसाद सक्रिय राजनीति में नहीं है। हालांकि रणनीति और योजना बनाने के नाम पर वो हमेशा सजग रहते हैं। एक बार फिर से उन्हें 2 दिन के बाद राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है दिल्ली में, उसके बाद अध्यक्ष पद फिर से सौंप दिया जाएगा। इसको लेकर के कई तरह की बातें भी की जा रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि क्यों नहीं राष्ट्रीय जनता दल आजीवन उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी सौंप देता है, ये फॉर्मेलिटी करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन नियम है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, ये जरूरी भी होता है। इन सारी बातों को लेकर के जगता बाबू को एक बार फिर से जिम्मेवारी दी गई है और बड़ी जिम्मेवारी है। लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में उन्हें पार्टी और सरकार के साथ साथ परिवार को भी एकजुट रखना है और इसके लिए वो पहले से भी प्रयासरत रहे हैं। इस बीच में जगता बाबू और तेजस्वी यादव के बीच दूरियों को लेकर के भी चर्चाएं आपने मीडिया में सुनी होगी। इसके साथ ये भी सुना होगा कि जगता बाबू दिल्ली नहीं जाएंगे, राष्ट्रीय अधिवेशन के में शामिल नहीं होंगे, लालू प्रसाद के साथ मिलने जा रहे हैं, उनसे बात करने के बाद ही कोई फैसला होगा। ये सारी बातें कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक खबरें चलाई गई कि जगता बाबू दिल्ली जाने के क्रम में मुगल सराय में उतर करके और वापस हो गए हैं, लेकिन इन सारी बातों से अलग जिस तरह से लालू प्रसाद और जगता बाबू के बीच में अब तक राजनीतिक और पारिवारिक के साथ साथ व्यक्तिगत संबंध रहे हैं वो साफ दिखता है। चाहे तेजस्वी यादव हों या तेज प्रताप यादव हों, मीसा भारती हों या राबड़ी देवी हों, सबके साथ उनका पारिवारिक संबंध आज भी नज़र आता है। चाहे वो तेज प्रताप यादव को डांटने और झिड़की देने की बात हो या फिर तेजस्वी यादव के लिए बिना किसी शर्त के उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने की बात हो, इन सारी बातों को लेकर के जगता बाबू पूरी तरह से तैयार नज़र आते हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि जगता बाबू को लेकर के जिस तरह से जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में सरकार बनाने को लेकर के बातचीत चल रही थी, उस समय भी जगता बाबू के टसन को लेकर के नीतीश कुमार को काफ़ी एम्ब्रेसिंग फील हुआ था। नीतीश कुमार और जगता बाबू पुराने मित्र भी रहे हैं, कभी साइकिल पर दोनों साथ घुमा करते थे। ये सारी बातें आपने सुनी और होगी, लेकिन इन सारी बातों के बाद अब जो सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार अपना किसी भी तरह का अगर उनके प्रति कोई सोचता है या किस तरह की बात करता है तो उससे बदला जरूर लेते हैं।
एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनके पुत्र का इस्तीफा स्वीकार करना उसी की कड़ी है जिससे कि जगता बाबू को सबक सिखाया जा सके। आपको बता दें कि इन सब बातों से बिल्कुल अलग जगता बाबू कभी भी परिवार को पॉलिटिक्स और पार्टी के बीच में नहीं लाते हैं। इससे पहले भी सुधाकर सिंह के साथ जिस तरह का व्यवहार जगता बाबू ने किया है वो जग जाहिर है। आज भी सुधाकर सिंह के आइडियोलॉजी को, उनके द्वारा इस्तीफा दिए जाने को सही ठहराया था जगता बाबू ने, उस पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और ना ही इससे इसका असर पड़ा था पार्टी और उनके राजनीतिक काम में। लेकिन इन सब के बीच में ये बातें कहे जाना इशारा करता था कि कुछ ना कुछ दूरियां जरूर बढ़ी हैं। लेकिन इससे बिल्कुल अलग अब नीतीश कुमार के लिए परेशानियां खड़ी हो रही हैं। लालू प्रसाद सिंगापुर जाने वाले हैं और इस बीच में जगता बाबू के ऊपर पूरी पार्टी का दारोमदार होगा। आपको बता दें कि अब की बार कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद और जगतानंद सिंह की जो खिचड़ी है वो नीतीश कुमार को फिनिश कर देगी। इस बार मौका नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा कि वो तेजस्वी यादव को छोड़ करके फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी दूसरे के साथ मिल करके बना लें। अब इसमें कितना सफल होते हैं जगता बाबू ये देखने वाली बात होगी। और लालू प्रसाद जगतानंद सिंह के बीच में जो दूरियों की बात की जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, दो दिन के बाद सब कुछ खुल करके सामने आ जाएगा। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जगता बाबू ने पूरी तैयारी कर ली है नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने का, यानी महागठबंधन से बाहर करने का। अब देखना होगा कि इसमें से कौन सी बात सच होती है, क्योंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कई ऐसे एजेंडे हैं जो अब तक खुले नहीं हैं, लेकिन उसके तहत राष्ट्रीय जनता दल अपना आगे का रणनीति तैयार करेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।